Find the equation of tangent and normal to the curve. Find the equation of tangent and normal to the curve. अभी देख लूंगा बेटा, यदि फ्रेम में नहीं होगा तो कर दूंगा. Tangent and normal to the curve. X equal to cos t. And y equal to sin t at t equal to pi by 4. At t equal to pi by 4. हमें t equal to pi by 4 पर equation of tangent normal निकालनी. लोग बाग यही गलत कर रहे हैं. वो उतरे जा बेटा, तेरे क्वेश्चन ही गलत उतार दिया. cube की जगह square दिया. क्या पता क्या कर रहे हो बेटा, कहाँ ध्यान है? सर आधा ध्यान तो उसमें होता है कि कैमरा ऑन है, कैसा हो रहा है पीछे बैकग्राउंड. कैमरा ऑन नहीं करोगे तो वैसे भी कैमरा ऑन करके भी कौन से लोग बाग लूट रहे हैं वो भी अलग बात है. कैमरा ऑन करने के बाद भी कौन से लोग बाग लूट रहे हैं वही वाली बात. चलो देखो, लेट द टेंजेंट एंड नॉर्मल इज ड्रॉन. एट पॉइंट x1 कॉमा y1. तो बेटा x1 आ गया हमारा cos pi by 4 1 by root 2. y1 आ गया हमारा sin pi by 4. t की जगह pi by 4 रख दो, 1 by root. so therefore point is, ये point आ गया जहां हमें tangent और normal draw करना. पहली चीज हमने पॉइंट्स मान लिया, पॉइंट निकाल लिया जहां पर हमें टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है. इसमें कोई डाउट? नो सर. अब एक्स इक्वल टू कॉस टी, अब डिफरेंशिएशन करो. कॉस टी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, डीएक्स बाय डीटी कॉस टी का माइनस साइन टी. Now y equal to sin t, again differentiating with respect to t, dy by dt आ गया आपका cos t, dy by dt आ गया हमारा cos t. अब हमें dy by dx निकालना है बेटा. लोग बाग dy by dx लिखने के बाद उल्टा लिख रहे हैं. देव तेने भी उल्टा लिखा था. उल्टा मत लिखो. डीवाई बाई डी टी, डीवाई बाई डी टी हमारे पास कॉस टी अपॉन माइनस साइन टी. तो यह आ गया माइनस कॉट टी. ये हमारा डीवाई बाई डी एक्स आ गया. अब मैं इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल देता हूँ, टी की वैल्यू रख देता हूँ. Slope of tangent minus cot pi by 4. Cot pi by 4 होता है 1, तो minus 1. So therefore slope of normal, slope of normal हो गया आपका plus 1 हो गया. यहां तक कोई doubt? No sir. अब हमें equation of tangent और equation of normal निकालनी है. Equation of tangent, y माइनस वाई वन, वाई वन है 1 बाई रूट टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट है माइनस वन, एक्स माइनस 1 बाई रूट. इसको सोल्व कर लेंगे, y माइनस 1 बाय रूट टू इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 बाय रूट टू. तो बेटा आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 बाय रूट टू प्लस 1 बाय रूट टू 2 बाई रूट टू. और 2 बाय रूट टू को आप लिख सकते हो रूट टू. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट. ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू रूट टू. इसमें कोई डाउट? नो सर. नो सर. देख लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो. अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहां लिख रहा हूं बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
वाई माइनस वन बाय रूट टू स्लोप है वन एक्स माइनस वन बाय रूट तो y माइनस रूट टू इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय रूट टू कैंसिल तो x इक्वल टू y दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्म ये हमारा इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्म तो इस तरह से हम पैरामेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालेंगे किसी को डाउट नो सर एक बार मैं अटेंडेंस ले लेता हूं अब तीन जने एब्सेंट है एक है आर्णा एक है स्वस्ति दो और एक जना अभी पता नहीं आर्णा स्वस्ति और आप बताना फिर मुझे ये दो जने तो मिल गए मुझे सभ्यता है सभ्यता है चलो अब इस वाली प्रॉब्लम में किसी को कोई डाउट है तो ठीक है नहीं तो आगे चलते बेटा वैसे इजी था सीधा स्लोप ऑफ टेंजेंट अब देखो एक चीज और समझना यदि मैंने डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर पिछले वाले टेस्ट में मैंने यदि पाई बाय फोर पे पूछा है तो एक जने ने क्या करा डी वाई बाय डी एक्स निकाल लिया वन पाई बाय फोर रख दिया और उसका डबल डिफरेंशिएशन कर दिया जीरो ऐसे नहीं होता बेटा यदि आपको बोला डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर में ही रखना है आपको एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर या टी इक्वल टू पाई बाय फोर ऐसे नहीं डी वाई बाय डी एक्स निकाल के उसका डबल डिफरेंशिएशन कर लिया कॉन्स्टेंट का वो तो हमेशा जीरो ही आएगा फिर वो हमेशा जीरो ही आएगा चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व वापस से फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा y equal to b cos cube theta at theta equal to pi by 4 हमें theta equal to pi by 4 पर equation of tangent और normal निकालनी है अब कैसे निकालेंगे वही देखो जैसे differentiation करते हुए आ रहे हो वही करना है बेटा यहाँ पर कोई नई चीज नहीं है पहले तो let the tangent and normal is drawn Let the tangent and normal is drawn. At point x1, y1. तो x1 हो गया हमारा a sin cube pi by 4. बोलो sin pi by 4 का वैल्यू 1 by root 2. 1 by root 2 का क्यूब क्यूब करेंगे तो ये आ गया टू रूट तो एक्स वन का वैल्यू आ गया हमारा ए अपॉन टू रूट दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई वन का वैल्यू निकाल लेंगे हम बी कोस क्यूब पाई बाय फोर ये भी वैल्यू वही आएगा बी वन बाय रूट टू का होल क्यूब तो बी बाय रूट टू रूट टू तो पॉइंट आ गया जहां पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है ए बाय टू रूट टू कोमा बी बाय टू रूट
दीज आर द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट एंड नॉर्मल इज ड्रॉ. जहां पर आपको टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करनी है वो पॉइंट आ गए. इसमें किसी को डाउट? नो सर. बेटा किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नो सर. अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. एक्स इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ गया हमारा डी एक्स बाई डी थीटा ए. बोलो साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव? सबको पता है इंटू कॉस थीटा. तो ये आ गया हमारा थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा. दिस इज डी एक्स बाई डी थीटा. अब हम बात कर रहे हैं वाई इक्वल टू बी कॉस क्यूब थीटा. डिफ्रेंसिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा dy by d theta equal to b 3 cos square theta और cos theta का minus sin theta. तो यह आ गया minus 3b cos square theta multiplied by sin theta. ये हमारा dy by d theta आ गया. ये तो problem दिया भी था मैंने पिछले test में. जो भी late आए हैं वापस से मैं एक बार repeat और कर रहा हूँ. Friday को आपका test है जिसमें 20 मार्क्स का आपका डबल डिफरेंशिएशन आएगा और 10 मार्क्स का टेंजेंट नॉर्मल आएगा. 20 मार्क्स का डबल डिफरेंशिएशन देने के पीछे रीजन ये है कि आपने लास्ट टाइम पर डबल डिफरेंशिएशन की ढंग से प्रैक्टिस नहीं की है. बहुत लोगों ने उनके डिफरेंशिएशन गलत हो रहे हैं. तो डबल डिफरेंशिएशन जिसमें आपका पैरामेट्रिक भी इंक्लूड है सब कुछ, डबल डिफरेंशिएशन मतलब पूरा डबल डिफरेंशिएशन किसी का भी, और 10 मार्क का आपका टेंजेंट है. ये टॉपिक आपका फ्राइडे वाले टेस्ट में आएगा. ओके सर. देयरफॉर डीवाई बाय डीएक्स आ गया डीवाई बाय डी थीटा अपॉन डीएक्स बाय डी थीटा. क्योंकि हो सकता है मैं सैटरडे संडे मंडे बाहर हूं, हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशंस रहती हैं. तो ये आ गया माइनस बी बाई ए बच्चा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा. थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 रख दो भाई. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारा माइनस बी बाई ए, ये कोट थीटा हो गया तो कोट पाई बाय 4 माइनस बी बाई ए स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया भैया. स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस बी बाई ए आ गया. अब बेटा यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस बी बाई ए आ रहा है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? ए बाई बी. स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा ए बाई बी, ए अपॉन बी. ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब बस हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाल. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये कॉपी हो रहा है कि बाद में करोगे? सर कर रहे हैं. कर रहे हो तो जहां तक हटाया वहां तक तो कर लिया ना तुमने? यस सर. यस सर. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस क्या रहा था पॉइंट भाई? a बाय टू बी बाय टू रूट टू. a बाय टू रूट टू एंड b बाय रूट टू. और स्लोप ऑफ टेंजेंट है माइनस b बाय a. x माइनस a बाय टू रूट टू. y माइनस b बाय टू रूट टू इक्वल टू माइनस b बाय a. x माइनस a बाय टू. हाँ बेटा यहाँ पे y प्लस बी अपॉन टू रूट टू आएगा ना, क्योंकि y नेगेटिव था ना पहले y एक्सिस पे पॉइंट. किसने बोला नेगेटिव था? देख ध्यान से लिखा होगा ना तेने. पॉइंट क्या था? यस सर. पॉइंट क्या था? माइनस बी टू रूट टू. किसने बोला माइनस आएगा? मैंने कब लिखवाया माइनस? मेरा माइनस ही आ रहा है. बाकी लोग सर सही है.
अरे बेटा माइनस क्यू आएगा, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा है, पाई बाय फोर पे रखना है तो नेगेटिव क्यू आएगा। अरे बेटा एक्स इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा है तो थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर रखेगी तो एक्स वन आएगा, तो पाई बाय फोर वो तो पॉजिटिव आएगा, नीचे वाला वाई वन में भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कौन सा आएगा उसको लिखा होगा। ओके सर, अब इसको सोल्व करो, एलसीएम लो टू रूट टू, टू रूट टू वाई माइनस बी, इधर भी टू रूट टू एलसीएम ले लिया, टू रूट टू एक्स माइनस बी, टू रूट टू से टू रूट टू कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टू रूट टू ए वाई माइनस ए बी माइनस टू रूट टू बी एक्स प्लस ए बी, यही आ रहा है, तो हमारा आंसर आ गया टू रूट टू बी एक्स प्लस टू रूट टू ए वाई और ए बी उधर जाके टू ए बी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, क्लियर है? यस सर। अब हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बस स्लोप चेंज होगा बाकी वाई का वाई रहेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस बी बाय टू रूट टू, स्लोप हो गया a बाय बी, x माइनस ए अपॉन टू रूट टू, टू रूट टू एलसीएम आ गया तो टू रूट टू वाई माइनस बी, टू रूट टू, टू रूट टू एक्स माइनस ए कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया टू रूट टू बी वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू रूट टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ गया टू रूट टू ए एक्स माइनस टू रूट टू बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा दूसरा आंसर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्म, क्लियर है? यस सर। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो करवाने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स मार्क्स में भी आ चुकी है वो प्रॉब्लम, पहले इसको कॉपी कर लीजिए सर, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो करवा रहा हूँ उसका वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स मार्क्स में भी आ चुकी है बहुत बार। तो बता देना, बोलो भाई आना के अलावा कौन एब्सेंट है, एक बार देख लो भाई अपनी लिस्ट में, देखो कोई मिल जाए, आना के अलावा एक और जना एब्सेंट, अरे आज अपन दिन में मिलेंगे ना भाई 4:10 पे, कल तो क्या है कुछ काम आ गया था मुझे, अरे मिलना चाहते हो कि नहीं मिलना चाहते हो? यस सर। यस सर। चलो एक काम कर रहे हैं अपन फिर 4:10 पे, एक काम कर रहे हैं अपन, तुम्हें मैं डबल डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करवा दूं तुम्हें? यस सर, चलेगा सर, ताकि क्या तुम्हारी क्या, अरे यार तुम्हारे डबल डिफरेंशिएशन में क्या है कुछ लोग बहुत सिली सिली, मैंने जो तुम्हें ट्रिक बताई है वो कर ही नहीं रहे, जैसे मैंने अभी आज उत्तरेजा का पेपर चेक कर रहा था, अपॉन में वाई है तो बेटा वो वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना था, तो उसी को ही अपॉन वाई स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन करता जा रहा है क्वेश्चन रूल लगा के, बेटा ऐसे तो बहुत लेंथी पड़ता है, आपको जो भी अपॉन में आ रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना होता है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल लगता है तो ईजी होता है, क्वेश्चन रूल हार्ड होता है, तो सबसे इजीएस्ट होता है कि जो अपॉन में है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ। चलो तो मैं 4:10 पर तो मैं डबल डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा।
करना है ना फ्राइडे वाला टेस्ट में, आपको चीजें जिसको क्लियर नहीं है वो हो जाएगी। चलिए देखो नेक्स्ट, प्रूव दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट टी, प्रूव दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट टी ऑन द कर्व x इक्वल टू a साइन t, x इक्वल टू a साइन t क्या बेटा, माइनस ए टी कोस t, माइनस ए टी कोस t एंड y इक्वल टू a कोस t, y इक्वल टू a कोस t माइनस एटी कोस टी। एक मिनट ले, सब गलत हो गया, एक सेकेंड रुको रुको। एक्स इक्वल टू ए कोस टी प्लस एटी साइन टी, रुकना बेटा थोड़ा चेंज है, ए कोस टी प्लस एटी साइन टी ये आपका है एंड वाई इक्वल टू ए साइन टी माइनस एटी कोस टी इज एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नॉर्मल आएगा वो ओरिजिन से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर है। हो सकता है उस पर आप इस वाली प्रॉब्लम में वो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालने के लिए बोलते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी ये ले रहा हूँ, जो आया हुआ क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ, लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पूछ सकते हैं, और चेंज होने में टी की जगह थीटा भी लिख सकता हो तो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। टी की जगह थीटा लिख देगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा एक चीज और है, एक स्टूडेंट ने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी कर दिया जबकि थीटा था, तो डीएक्स बाई डी टी इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, कुछ मतलब थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा है लेकिन टी टी लिखता हुआ चला गया हर जगह, वो मैं बताऊंगा ऐसा भी किया है किसी। देखो लेट द नॉर्मल इज ड्रॉन एट पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन, नॉर्मल आपका पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन पे ड्रॉ किया है, और यदि एक्स वन कोमा वाई वन पे ड्रॉ किया है तो हमारा एक्स वन पॉइंट आ गया x1 इक्वल टू a cos t प्लस ए टी sin t, क्योंकि t पे निकालना है, जो x है वही x1 होगा और जो y है वही y1 होगा, मतलब x और x1 एक ही चीज है क्योंकि t पे निकालना है। तो बेटा यही x1 होगा और यही y1 होगा क्योंकि मुझे पॉइंट t पे निकालना है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट? नो सर, नो सर। अब डिफरेंशिएटिंग, अब x इक्वल टू, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ भाई, पैरामेट्रिक है a cos t plus a t sin t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, dx by dt minus a sin t plus a product rule, t का वन into sin t और t sin t का cos t, सोल्व कर लीजिए, माइनस ए साइन टी प्लस ए साइन टी प्लस ए टी कोस टी, ए साइन टी से ए साइन टी कैंसिल हो गया तो डीएक्स बाई डी टी आ गया हमारा ए टी कोस टी, डीएक्स बाई डी टी आ गया हमारा ए टी कोस टी, दिस इज डीएक्स बाई डी टी। इसमें कोई डाउट? पहले भी कर चुके हैं अपन, बहुत बार कर चुके हैं ये वाली प्रॉब्लम। अब इसी तरह y इक्वल टू a साइन t माइनस ए टी कोस टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, dy by dt साइन t का डिफरेंशिएशन कोस t, a कॉमन आ गया पहले t का वन इंटू कोस t और t कोस t का माइनस साइन t,
a cos t माइनस a cos t और माइनस माइनस प्लस ए टी sin t, तो ये आ गया आपका ए टी sin t डिवाइड बाय dt। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट सर, इस क्वेश्चन का फिगर क्या बनेगा? किसका? ये वाला क्वेश्चन का जो फिगर, फिगर बेटा फिगर से तो इसमें कोई मतलब ही नहीं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है बस। देखो भैया आपका कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, सपोज ये कोई कर्व है, इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल निकालनी, ये नॉर्मल है, ये ओरिजिन है, इससे ये डिस्टेंस कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है, बस ये से निकालना है। इसमें फिगर का कोई मतलब नहीं। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dt upon dx by dt, ये आ गया at sin t upon at cos t। बेटा यहाँ पर साइन और कोस को टेन में मत कन्वर्ट करना, क्यों? क्योंकि आपको इक्वेशन में भी साइन और कोस मिलेगी, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी यदि साइन कोस को कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका साइन टी अपॉन कोस टी, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखना भाई, बेटा अपना माइक बंद करो, नहीं तो फिर अभी क्या है रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, सबकी आवाजें आएंगी भाई, डाउट की आवाज आती रहे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस कोस टी अपॉन साइन टी, ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है। यहां तो कोई दिक्कत? यहां तक कॉपी हो गया? यस सर। अब मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल के बता रहा हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन, देखो y माइनस वाई वन ये a sin t प्लस ए टी साइन टी, ए टी माइनस ए टी कोस टी, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस कोस टी अपॉन साइन टी और मल्टीप्लाइड बाय ए कोस टी प्लस ए टी साइन टी, देखो हटा देता हूं इसको, मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस ए कोस टी प्लस ए टी साइन टी। ये समझ में आया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें कोई डाउट? नो सर। अब देखो साइन टी से सबको मल्टीप्लाई कर दो, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आके वाई साइन टी माइनस ए साइन स्क्वायर टी माइनस और माइनस प्लस ए टी कोस टी साइन टी इक्वल टू माइनस एक्स कोस टी प्लस ए कोस स्क्वायर टी और माइनस और माइनस प्लस ए टी साइन टी कोस टी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, कोई दिक्कत? अब x को इधर लिया, x cos t प्लस y sin t, इधर ले जाता हूं मैं a sin square t प्लस a cos square t, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, x cos t प्लस y sin t, a कॉमन आ गया sin square t प्लस cos square t, क्या होता है sin square t प्लस cos square t? तो हमारी फाइनल आंसर आ गया x cos t plus y sin t minus a equal to zero, this is the equation of norm। ये हमारी क्या बोल रहा है पार्थ? अरे पार्थ क्या बोल रहा है?
शायद वो घर पे बोल रहा था। अच्छा घर पे बोल रहा, तो ये इक्वेशन अब नॉर्मल आ गई भाई। सर कुछ नहीं कुछ नहीं। चल ठीक है, इक्वेशन अब नॉर्मल क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब मेरे से बोला गया है ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस, तो ओरिजिन से मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा बेटा। नाउ डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल, यहां तक कॉपी हो गया सबका? यस सर। नाउ डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन है हमारा 0 0। तो बेटा मैंने डिस्टेंस निकालने का मेथड बताया था लास्ट पहले वाले लेक्चर में, एक्स की जगह 0 रखेंगे, वाई की जगह 0 रखेंगे, माइनस से अंडर रूट ऑफ एक्स का जो भी कोफिशियंट है उसका स्क्वायर, प्लस वाई का जो भी कोफिशियंट है उसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी मॉडुलस से। आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। और मॉडुलस ए क्या है? कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर नॉर्मल इज एट ए यूनिट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, देयरफॉर नॉर्मल इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सही रिपीट करना जो आपने बोला अभी जस्ट। अरे भाई मॉडुलस ए कांस्टेंट है कि नहीं है? इसमें कोई वेरिएबल आ रहा है कि तुम्हारा? No, अरे मॉडुलस है भाई, आपने जब डिस्टेंस निकालोगे तो एक्स की जगह 0 रखोगे, प्लस वाई की जगह 0, माइनस से अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? कोस टी, तो उसका स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, और प्लस वाई का कोफिशिएंट जो भी है उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो माइनस ए का मॉडुलस हो गया मॉडुलस क्लियर है? किसी को डाउट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, टेस्ट में भी दूंगा, और मैंने पहले भी बोला था जो इंपॉर्टेंट है उनको टेस्ट में जरूर दिया है, कोई निकल के आया लोगों, तो जब मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है कभी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, Prove that the curves x equal to y square, and xy equal to k, x equal to y square and x square equal to k curves orthogonally if 8k square equal to 1, if 8k square equal to 1। orthogonally का मतलब कोई जानता है बेटा? No, दो कर्व है, सबो ये एक कर्व है और एक ये कर्व है, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे उनकी टेंजेंट, उस पॉइंट पे टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पर, इससे बोलते हैं ऑर्थोगोनली या परपेंडिकुलर, एक ही बात। इस तरह का कर्व, दो कर्व जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों के टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनली। क्लियर? यस सर। तो बेटा पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा क्योंकि उसी पे तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, जब करो आपके ऑर्थोगोनली कट्स कर रहे हैं तो पहले तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं मानूंगा लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व्स
बी एक्स वन कोमा वाई वन, तो पहले को सेटिस्फाई करेगा एक्स वन इक्वल टू वाई वन स्क्वायर और दूसरा हो गया एक्स वन वाई वन इक्वल टू के सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सेकेंड से वाई वन की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे भाई सेकेंड से वाई वन की वैल्यू आ गई के बाई एक्स वन तो ये आ गया एक्स वन इक्वल टू के स्क्वायर बाई एक्स वन स्क्वायर तो एक्स वन क्यूब इक्वल टू के स्क्वायर तो बेटा एक्स वन का वैल्यू आ गया के की पावर टू बाई थ्री एक्स वन का वैल्यू हमारा आ गया के की पावर टू बाई थ्री यहां तक किसी को कोई डाउट बोलो नो सर अब एक्स वन का वैल्यू के की पावर टू बाई थ्री आ गया तो वाई वन की वैल्यू सेकंड में रख दो या फर्स्ट में रख दो एक्स वन की वैल्यू के की पावर टू बाई थ्री इक्वल टू वाई वन स्क्वायर तो बेटा वाई वन की वैल्यू स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो वाई वन की वैल्यू के की पावर वन बाई थ्री वाई वन की वैल्यू क्या आ गई के की पावर वन बाई थ्री कोई दिक्कत स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों तरफ टू से टू कैंसिल हो गया तो ऊपर पावर वन बाई थ्री बचे सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यह आ गया आपका के की पावर टू बाई थ्री कोमा के की पावर दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया यहां पे कॉपी कर लीजिए और यहां पर कोई डाउट है तो पूछिए तो सबसे पहले कभी भी कर्व्स कट ऑर्थोगोनली तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारा के की पावर टू बाई थ्री कोमा के की पावर वन बाई थ्री क्लियर है yes, sir. Yes. अब हमें दोनों कर्व का डेरिवेटिव करना है देखो कर्व वन x इक्वल टू वाई स्क्वायर डिफ्रेंसिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x x का डेरिवेटिव वन y स्क्वायर का टू वाई डीवाई बाई डी एक्स डीवाई डी एक्स आ गया वन बाई टू वाई तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया वन अपॉन टू वाई वन और वाई वन की वैल्यू है आपकी के की पावर वन बाई थ्री इसको मैं एम वन मानता हूं तो हमारा एम वन आ गया वन अपॉन टू की पावर टू के की पावर वन बाई थ्री दिस इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट कर्व वन की टेंजेंट का स्लोप आ गया वन अपॉन टू के की पावर वन बाई थ्री इसमें कोई डाउट अब मैं कर्व टू का डेरिवेटिव करूंगा कर्व टू एक्स वाई इक्वल टू वन डिफ्रेंसिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वन इंटू वन सर हाँ बोलो आवाज चली गई थी अभी वो वहाँ पे वन कैसे आया कहाँ पर वन कैसा है एक्स वाई इक्वल्स टू के है क्या सॉरी ठीक है हाँ सर माइनस वाई बाय एक्स तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया बेटा माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन तो ये हमारा m2 आ गया माइनस वाई वन है k की पावर वन बाई थ्री और ये है वन अपॉन m सॉरी x1 की वैल्यू क्या थी भाई अरे x1 की वैल्यू क्या थी k
माइनस वन अपॉन के की पावर वन बाई थ्री आ रहा है, ये हमारा एम टू आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं बोल रहा हूँ एक कर्व कट एट राइट एंगल, इफ कर्व कट्स एट राइट एंगल, राइट एंगल मतलब ऑर्थोगोनल, तो एम वन एम टू क्या होना चाहिए बेटा? माइनस वन। ऑर्थोगोनली या राइट एंगल एक ही बात है, तो देयरफॉर अब मैं एम वन एम टू निकाल के बता रहा हूँ। एम वन आया वन अपॉन टू की टू के की पावर वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन के की पावर वन बाई थ्री, यह आ गया टू के की पावर टू बाई थ्री। अब देखो हमारा गिवन है, गिवन क्या है, एट के स्क्वायर इक्वल टू वन, तो यहां से के स्क्वायर की वैल्यू वन बाई एट आ गई कि नहीं आ गई? अरे के स्क्वायर का वैल्यू वन बाई एट आ गया। यस सर। अब या तो आप के स्क्वायर की के की वैल्यू निकाल लो। देखो इधर मैंने बोला एम वन एम टू आपका आ रहा है, इधर देखो एम वन एम टू आ रहा है माइनस वन अपॉन टू के की पावर टू बाई थ्री, या के स्क्वायर की पावर वन बाई थ्री भी बोल सकते हो, एक ही बात है भाई। के स्क्वायर k की पावर 2 बाई थ्री मतलब k स्क्वायर की पावर 1 बाई थ्री, और k स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है हमारा 1 बाई एट। k स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 1 बाई एट। बेटा 1 बाई एट का क्यूब रूट निकालना कितना आता है? 2। तो 1 बाई टू तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो माइनस वन, माइनस वन आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो M1 M2 इक्वल टू हमारा माइनस वन आ रहा है। तो एक तो ये तरीका बेटा मेथड वन, ये तरीका है मेथड वन, आप इससे प्रूव कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है बेटा, सेकंड मेथड, M1 M2 इक्वल टू माइनस वन, M1 की वैल्यू है आपके पास वन अपॉन टू के की पावर वन बाई थ्री, इसकी वैल्यू है माइनस वन अपॉन के की पावर माइनस वन बाई थ्री माइनस वन, तो ये आ गया टू के की पावर टू बाई थ्री इक्वल टू वन, क्यूबिंग बोथ साइड, मतलब आप जो रिजल्ट गिवन है वही प्रूव कर दो। जैसे मैंने क्यूब करा तो एट के स्क्वायर इक्वल टू वन, एट के स्क्वायर इक्वल टू वन, ये आपका प्रूव। एक मेथड ये भी है बेटा, फर्स्ट मेथड में तो क्या कर रहा मैंने M1 M2 माइनस वन प्रूव किया, लेकिन सेकंड मेथड ज्यादा इजी है।